हरि ओम, मैं डॉक्टर सोनालीवीरा साइगांवकर तिलकनगर उपासना केंद्र से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं डोंबिवली और चेंबूर ये दो जगह पे प्रैक्टिस करती हूँ। सन 2008 साल से मैं बापू परिवार में आने लगी हूँ और तब से मुझे बापू के बहुत अनुभव आ रहे हैं। मुझे एक अनुभव वेंकटेश याग के बारे में बताना है। मुझे जब मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, मुझे ठीक नहीं था, प्रेगनेंसी रह गई थी और एबॉर्शन भी हुआ था उस दौरान। मुझे मैं जॉइंट फैमिली में रह रही थी और मेरे घर का पजेशन नहीं हो रहा था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड 2011 को ही घर बुक किया था, बट शादी के बाद भी वो पजेशन हो नहीं रहा था। शादी को एक साल होके गया, डेढ़ साल होके गया, लेकिन पजेशन ही नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में थी और वो एक्चुअली मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत थे। मुझे घर ऊपर और नीचे था तो मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ता था। यूरिन का प्रॉब्लम होता था तो हर एक घंटे में मुझे नीचे आना पड़ता था, रात को भी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मुझे वो सब सहन करना पड़ता था। बहुत हेल्थ इशू थे और उस दौरान जो घर पोजीशन मिलने वाला था, वो जो बिल्डर थे वो कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। वो बता रहे थे नहीं नहीं आपको पोजीशन हम ऐसे कैसे देंगे, आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। तो मैं दादा को आके मिली, दादा को बताया कि मुझे घर का पोजीशन नहीं मिल रहा है और मुझे बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम भी है, कब होगा? तो दादा ने कहा हो जाएगा, डोंट वरी। उन्होंने उपासना दी थी, लेकिन मेरा जैसे ही ऑपरेशन हुआ, मेरा एडिनोमायोसिस का ऑपरेशन हुआ, मेरे गर्भाशय में गांठ थी, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, उसके लिए मेरा ऑपरेशन हुआ। और वो ऑपरेशन होने के बाद एक महीने के बाद ही मैं दादा को मिली, क्योंकि तभी भी घर का पोजीशन नहीं मिल रहा था। और मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था कि मुझे 3 महीने की बेड रेस्ट कही गई थी, क्योंकि वो जो जख्म अंदर था वो भरने के लिए 3 महीने लगते हैं एटलीस्ट। तो मैं दादा को आके मिली तो दादा ने फिर मुझे कहा कि तुम बड़ी माँ को, मोटी आई को संकल्प करो कि मेरा घर का हो जाने दो, उसके बाद मैं वेंकटेश याग करती हूँ। 5 वेंकटेश याग करने का संकल्प कहा। मैं बड़ी माँ को प्रार्थना करके कहा कि मेरा घर का पोजीशन हो जाने दो, मैं वेंकटेश याग करूँगी, आप ही वो करके लेना मेरे से। फिर एक्चुअली 3-4 महीने पहले मेरा घर का पोजीशन भी हो गया और हमने वो वेंकटेश याग भी करके हो गए। और एक मेरे हस्बैंड, मेरे जो पति हैं, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे थे। उनको रात को सोते समय हाथ पैर बहुत दर्द होते थे, जर्क्स होते थे। मुझे कुछ समझता नहीं था, मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी मुझे लगता था कि क्या हो सकता है, उसकी वजह से इनको ये तकलीफ़ है। और ऑन एंड ऑफ सर्दी, अस्थमैटिक अटैक्स, ऐसे सब उनको होता था। उसके लिए बार बार एंटीबायोटिक्स लेना ये सब चालू था, प्लस उनको बीपी और कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी उनको दवाई चालू थी। उनका एज इतना भी नहीं है, 32 ईयर्स के एज में इतना सब होता है तो टेंशन आता ही है। फिर मैं दादा को आके मिली और उनको कहा कि उनको ये सब तकलीफ़ हो रही है। तो दादा ने कहा 5 वेंकटेश याग करना तुम। तो मैंने दादा को कहा, दादा वो 5 आपने बोले हैं वेंकटेश याग? तो दादा ने कहा वो बाद में करना, ये अभी अर्जेंटली कर लेना। तो उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वो दादा बापू को ही पता रहेगा, इसके लिए दादा ने अर्जेंटली करने को कहा। और वो याग बापू ने ही करके लिए और अभी बापू के कृपा से मेरे हस्बैंड ठीक है, श्री राम अंबद्न्य, और दादा से ट्रीटमेंट उनकी चालू है। हरिओम अंबद्न्य।